अयोध्या के बैनीगंज स्थित आईटीआई स्कूल के प्रांगण में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कई कंपनियों ने भाग लिया। आईटीआई के बच्चों को रोजगार मेले में रोजगार देने के लिए कई कंपनियों से नियुक्त पत्र देकर नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत ही बैनीगंज शासकीय औद्योगिक संरक्षण संस्था संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया रोजगार मेला नियुक्त पत्र वितरण समारोह। रोजगार मेले की शुरुआत मुख्य अतिथि रहे भाजपा सांसद लल्लू सिंह। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रांगण में एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन कौशल विकास विभाग सेवा आयोजन कार्यालय आईटीआई के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया है। इसमें 40 से अधिक कंपनियां आई हुई हैं और कम से कम 2000 बच्चों को ये प्लेसमेंट देंगे। जैसी इनकी वैकेंसी है उससे अधिक भी ये ले जाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में बच्चे आए हुए हैं और रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इनके कुछ प्रमाण पत्र अभी तक जिनका चयन हो गया है माननीय सांसद जी द्वारा जो है वितरित किए गए हैं। ये कार्यक्रम अभी शाम तक चलता रहेगा और इसके बाद में जो नियुक्त पत्र हैं वो उनको बांट दिए जाएंगे। प्राप्त कर रहे हैं लगातार। एक जनपद का सौभाग्य है कि ये मेला माननीय सांसद जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के ही कुशल नेतृत्व के कारण ये आयोजित किया गया है कौशल विकास विभाग की तरफ से। और हर महीने इस तरह के मेले के आयोजन पहले भी किए जाते रहे, आगे करते रहेंगे हम। कितने दिवसीय मेला होगा? हाँ, एक दिन मेला हमेशा ही एक दिवसीय रहेगा ये, मगर वो मेला मासिक मेला रहेगा। 21 तारीख का दिवस जो है वो रोजगार दिवस के रूप में भी जाना जा रहा है। तो हर महीने की 21 तारीख को अगर छुट्टी है तो अगले दिन ये आयोजित होता रहे। मेरा नाम विनोद कुमार वाजपेयी, प्रिंसिपल आईटीआई अयोध्या। कौशल विकास मंत्रालय के आह्वान पर पूरे देश में ही नहीं एक रोजगार बृहद रोजगार मेला लगाने का काम किया है। इस रोजगार मेला के माध्यम से हमारे जो आईटीआई के बच्चे हैं या इंटर पास बच्चे हैं उन सबको बहुत सारी कंपनियां, सैकड़ों कंपनियां यहाँ आई हैं जो उनको रोजगार उपलब्ध कराने का काम करेंगी, उनका सिलेक्शन करेंगी। और यह आज का दिन अयोध्या जनपद के लिए बहुत ही शुभ दिन कि नौजवान बच्चों को, युवतियों को रोजगार उपलब्ध हो। लगभग कितनी कंपनियां आई हुई हैं रोजगार मेले में? हमको लगता है कि 40-50 कंपनियां होंगी। ऐसे आपसे वार्ता हुई तो 40-42 कंपनियां इस बृहद रोजगार मेले में आईटीआई के प्रांगण में भाग ले रही हैं और लगभग 2000 के ऊपर रिक्तियाँ हैं। 2000 बच्चे हमारे यहाँ उनका टारगेट है चयन करने का। कुछ बच्चे जो है माननीय सांसद, स्थानीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी द्वारा उनको नियुक्त प्रमाण पत्र वितरित किया गया। और इस तरह कंपनियाँ जो शाम तक चयन करेंगी उनको, छात्रों को जो है प्लेसमेंट उनके द्वारा दिया जाएगा। कितने बच्चों को नियुक्ति पत्र सांसद द्वारा जो है दिया गया? लगभग 70-80 बच्चों को जो है माननीय सांसद जी द्वारा जो है नियुक्त पत्र वितरित किया गया। मेले के माध्यम से क्या संदेश देंगे आईटीआई के बच्चों? मेले के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो नहीं चयनित हुए हैं, इस तरह के मेले जो है रोजगार मेले, बृहद रोजगार मेले जनपद में आयोजित होते रहेंगे। जो लोग नहीं चयनित हुए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं, आगे इस प्रकार के मेले होते रहेंगे। जो कमियां इस बार रहीं वो अगली बार जो है उन कमी को दूर करके आएं और यहां पे चयन उनका 100% होगा, निश्चित होगा, वो निराश होने की जरूरत नहीं है। नाम पत्र? हाँ, पद्मवीर कृष्ण, सहायक निदेशक सेवा आयोजन।